Good morning class. This is our next pharmacology class in which today we will discuss about the anti-epileptic drugs come under the category of drugs acting on CNS. देखिए एपिलेप्सी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कन्वल्सन्स यानी दौरे पड़ना. एपिलेप्सी ब्रेन का डिसऑर्डर है, ब्रेन फंक्शन का एक्चुअली ये डिसऑर्डर है. इसके अंदर हम चैप्टर में एंटीलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे. देखिए एपिलेप्सी को पहले अपन ये देख लेते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी को हमने कन्वल्सन्स कहा है या आप उसको सीजर्स भी कह सकते हैं. इसका क्लासिफिकेशन देखिए सबसे पहले कि दो तरह से एपिलेप्सी क्लासिफाई होती है, जनरलाइज्ड सीजर और पार्शियल सीजर के अंदर, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना. पार्शियल सीजर फिर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल पार्शियल सीजर्स SPS एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स CPS. वाइल जनरलाइज सीजर्स आर क्लासिफाइड इन टू द थ्री कैटेगरी, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स GTCS, एब्सेंस सीजर्स एंड मायोक्लोनिक सीजर्स. तो यहाँ आप अच्छे से डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, पार्शियल सीजर्स में सीजर एक्टिविटी जो है वो ब्रेन के केवल एक पार्ट में स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको पार्शियल सीजर कह रहे हैं. जबकि जनरलाइज सीजर के अंदर सीजर एक्टिविटी पूरे ब्रेन के अंदर स्टार्ट हो रही है, जो आप देख सकते हो एब्सेंस में स्टारिंग और ब्लिंकिंग विदाउट फॉलिंग, ऐसा हो रहा है कि बिना फॉल हुए स्टारिंग ब्लिंकिंग हो रही है. जबकि मायोक्लोनिक जो मैंने नाम लिया, इसके अंदर जर्किंग मूवमेंट होता है बॉडी का, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है जर्किंग मूवमेंट. टॉनिक क्लोनिक के अंदर स्टिफनिंग हो जाती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी आपकी, टाइट हो जाना, अकड़ जाना, फॉलिंग और बॉडी की जर्किंग भी हो रही होती है. टॉनिक में फॉलिंग हैविली टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप तेज़ी से गिर रहे हैं, वो टॉनिक है और ए टॉनिक आपको दिखाई दे रही है. जबकि पार्शल में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन, ये तीन कैटेगरी आती है. सिंपल सीजर एक्टिविटी वाइल द पर्सन इज अलर्ट, सिंपल तब भी है जब पर्सन पूरी तरह से अलर्ट है, उसके बावजूद सीजर्स अगर आए हैं. भाई सीजर्स हम ये पढ़ रहे हैं, भाई दौरे कैसे पढ़ रहे हो, तो दौरे में कभी कोई पड़ रहा है, गिर रहा है, बिना हिले डुले आंखें वगैरह हिला रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी हैं. कॉम्प्लेक्स के अंदर सीजर की एक्टिविटी जो है विद चार्ज इन अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, इसमें हालांकि दौरे पड़ रहे हैं पर पर्सन को अपने आस पास का पूरा होशो हवास होता है. विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन के अंदर सीजर एक्टिविटी शुरू हो रही है एक एरिया में और फिर स्प्रेड हो रही है. अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का. अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का पहले मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन बोल के बता देती हूँ. इसके अंदर हाइडेंटोइन, बारबिट्यूरेट, इमिनोस्टिलबेंस, सक्सिनीमाइड, बेंजोडाइजापिन, कार्बोक्साइलिक एसिड डेरिवेटिव्स और अदर्स, ये तो क्लासिफिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का. इसके बाद ये इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जो आपने पहले चैप्टर्स भी पढ़े हुए हैं, उनमें से गाबा एक्शन को एनहांस करने वाले, सोडियम चैनल फंक्शन को इनहिबिट करने वाले, कैल्शियम चैनल फंक्शन को इनहिबिट करने वाले, ये तीन मैकेनिज्म मेन मैकेनिज्म है. इसके अलावा भी कुछ मैकेनिज्म है, जैसे ग्लूटामेट रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. क्लासिफिकेशन एंटी कन्वल्सेंट का, आयन चैनल्स पर एक्ट करने वाले, गाबा ट्रांसमिशन को एनहांस करने वाले और EAA ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स आती हैं. अब सबसे पहले आयन चैनल को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स में सोडियम चैनल के ऊपर फिनाइटोइन, कार्बामेज़ापाइन, लेमोट्रिगिन, टोपिरामेट, वालप्रोइक एसिड, कैल्शियम चैनल के ऊपर इथोसक्सिमाइड और वेलप्रोइक एसिड आता है. जबकि गाबा ट्रांसमिशन को एनहांस करने में बेंजोडाइजापिन, जिसमें डाइजापाम, क्लोनाजेपाम, बारबिट्यूरेट्स, फिनोबारबिटेल, वेलप्रोइक एसिड, गाबा पेंटिन, वेगा बेट्रिन, टोपिरामेट और फेल्बामेट ड्रग्स आती हैं. EAA के लिए फेल्बामेट और टोपिरामेट ड्रग्स इसके अंदर आ रही होती हैं. अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन.
देखिए अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की एक्शन देखें, उससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के क्लिनिकल यूज़ के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले GTCS ग्रैंड मल एपिलेप्सी के सीजर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें आप सोडियम वालप्रोएट दे सकते हैं, कार्बामेजापिन, फिनाइटोइन, इमोट्रिगिन, ऑक्सकार्बा जेपाइन, फिनोबार्बिटोन, लेविट्री सिटाम और टोपिरामेट दवाई दे सकते हो। पार्शल सीजर के अंदर आप सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामेजापाइन, ऑक्सकार्बाजेपाइन, फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, इमोट्रिगिन, टोपिरामेट, लेविट्री सिटाम और गैबापेंटिन आप दे सकते हो। सीजर एब्सेंस जो सीजर्स है जिसको अपन पेटेट माल एपिलेप्सी भी कहते हैं, उसमें सोडियम वेलप्रोएट, इथोसक्सिमाइड, लैमोट्रिगाइन और क्लोनाजेपाम दे सकते हो। और लास्ट मायोक्लोनिक सीजर के अंदर आप सोडियम वालप्रोएट, देखिए सोडियम वालप्रोएट सब में हम देते हैं, लगभग सब में, इमोट्रिगिन, क्लोनाजेपाम और ट्रोपिरामेट नाम की ड्रग हम देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अपन सबसे पहले फिनाइटोइन, कार्बामेजापाइन, फेल्बामेट, इमोट्रिगिन, वेलप्रोइक एसिड का देख रहे हैं। ये क्या करता है, ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स एट हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसी में ये सोडियम चैनल के ऊपर अपना एक्शन दिखा रहा होता है, ब्लॉक करता है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को। जबकि बारबिट्यूरेट क्या करता है, प्रोलोंग कर देता है गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग को। नेक्स्ट तीसरी बेंजोडाइजापाइन गाबा मीटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जो ऊपर बारबिट्यूरेट ने तो उसकी ओपनिंग को प्रोलोंग किया था और बेंजोडाइजापाइन उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, वो जो ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा देगा। वालप्रोएट जो है वो गाबा ट्रांसमिशन को स्पेसिफिक सर्किट में जाने के लिए बढ़ाता है, एनहांस करता है। और वही सोडियम चैनल जो वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक करेगा, टी टाइप कैल्शियम करंट को ब्लॉक करेगा। इथोसक्सिमाइड जो है वो ब्लॉक कर देता है स्लो थ्रीशोल्ड ट्रांजिएंट टी टाइप कैल्शियम चैनल को थैलेमिक न्यूरॉन के अंदर। अब आजकल कुछ नई ड्रग्स आ रही हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में विगाबैट्रिन, ये गाबा ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं इरिवर्सिबली, मतलब एक बार रुकेगी तो आप उसको वापस स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। जबकि टियागेबिन जो है वो गाबा रीअपटेक को इंटरफेयर कर देती है। टोपिरामेट जो है वो भी ब्लॉक कर रही है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसी पर, और ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है गाबा ओपन कैल्शियम चैनल की। बेंजोडाइजापाइन जहाँ एक्ट करी वहाँ पर ये एक्ट नहीं करेगी, उसके अलग साइट पर ये एक्ट करती है, क्योंकि हर एक साइट भी अलग अलग होती है। गाबापेंटिन ये मॉड्यूलेट करती है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट को ब्रेन में, और ये गाबा रिअपटेक को इंटरफेयर भी करती है। अब हम थोड़ा सा और इन ड्रग को स्पेसिफिकली देख लेते हैं। सबसे पहले फिनोबार्बिटोन आपकी ड्रग आ रही है। फिनोबार्बिटोन ड्रग जो है ये बारबिट्यूरेट है और वाइडली हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। ये इट्स यूज़ हैज़ डिक्लाइंड, आजकल अपन इसका यूज़ काफ़ी कम कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है सेफ़र ड्रग्स, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़र ड्रग्स, इसके कंपैरिजन ज़्यादा सेफ़ ड्रग्स हमारे पास आजकल आ चुके हैं, इसलिए आजकल हम इसको कम यूज़ में लेते हैं। ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, पर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है अगर हम इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं, और अगर इसका आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ये एंजाइम इंडक्शन करवा देती है। और को एडमिनिस्टर्ड अगर कोई ड्रग है इसके साथ में कोई दूसरी ड्रग दिए तो उसके इफेक्टिवनेस को ये कम भी कर देती है। मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट क्या है, सिडेशन कर देती है, पर इसका टॉलरेंस डेवलप होता है धीरे धीरे कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन से, व्यक्ति में टॉलरेंस यानी उसका वो आदि बन जाता है। तो ये यहाँ पर आपके लिखा हुआ है गाबा फैसिलिटेटरी है, गाबा की माइमेटिक भी है, उसकी नकल करती है और एडवर्स इफेक्ट में सिडेटिव एक्शन दिखाते हैं। लार्ज टर्म तक अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन इसका लंबे समय तक की दवाई ले रहे हो तो ये बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी कर देती है, व्यक्ति का बिहेव एबनॉर्मल हो जाएगा, लर्निंग नहीं होने देती है, चीज़ें हम याद नहीं रख पाते हैं, मेमोरी हमारी ख़राब हो जाती है, पढ़ पाना, याद कर पाना और याद रख पाना सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मेंटल कन्फ्यूज़न
बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये अगर लंबे समय तक ले रहे हो तो ये रैशेस भी कॉज करेगी स्किन के ऊपर, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर देती है और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी इसके लंबे समय तक यूज़ करने पर। ये इसके बुरे प्रभाव है। ये GTCS और पार्शल सीजर्स में दी जाने वाली एक चीपेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको फेब्राइल कन्वल्जन्स को ट्रीट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक ड्रग के रूप में इसका यूज़ अपन करते हैं, और स्टेटस एपिलेप्टिकस में इंट्रावीनसली अपन इसको इंजेक्ट करते हैं कन्वल्जन्स को कंट्रोल करने के लिए डाइजापाम और फिनाइटोइन के साथ में। तो यूजेस देखो जो मैंने बोला ना इसके, GTC जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर अपन देते हैं, सिंपल पार्शल सीजर में और कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स में भी ये देते हैं। 60 mg 1-3 समय तक दिन में एडल्ट्स में दे सकते हैं और बच्चों में 3-6 mg पर kg पर डे आपको देनी है वेट के हिसाब से। स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी इसका यूज़ है, तो IM भी दे सकते हो, IV भी दे सकते हो, पर इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है डेवलप होने में। पर एब्सेंस सीजर में ये कोई ख़ास काम की दवाई नहीं है। दूसरी ड्रग आ रही है फिनाइटोइन, जिसको अपन डाइफिनाइल हाइडेंटोइन भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक के रूप में। इट डज नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ड्रॉसीनेस, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंट ड्रॉसीनेस इससे नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यहाँ पर देखिए, फिनाइटोइन प्रोलॉन्ग्स द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल, जो हमारे वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल है बॉडी के अंदर, उसको उसकी इनएक्टिवेटेड स्टेट को जो है फिनाइटोइन प्रोलॉन्ग कर देती है और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को भी ये कम कर देती है। तो ये डायग्राम में भी देखिए दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में बोल के बता देती हूँ कैसे कैसे वर्क कर रही है। जैसे कि सोडियम वेलप्रोएट, वेगाबाइट्रिन, गाबापेंटिन, प्रेगाबैलिन, बेंजोडाइजापिन, बारबिट्यूरेट्स वगैरह जितनी भी ड्रग्स हैं, ये पोटेंशियट गाबा मीडिएटेड इनहिबिटरी इफेक्ट रखती है हमारे ब्रेन में और कन्वल्जन्स को ही कंट्रोल करती है, क्योंकि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, उसके थ्रू ये कन्वल्जन्स को कंट्रोल करेगी। देखो फिनाइटोइन सोडियम चैनल को न्यूरॉन में ब्लॉक कर रही है, इनहिबिट कर देती है एबनॉर्मल फायरिंग को न्यूरॉन्स के, और एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट दिखाती है। कैसे करें, न्यूरॉन्स के एबनॉर्मल फायरिंग को ये रोक देती है, तो फायरिंग नहीं करेगा तो एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट ये अपना कर देगी, मतलब ये एपिलेप्सी को रोक देगी। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये GIT के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन इज फॉर्मुलेशन डिपेंडेंट, कि भाई आपने कौन सी दवाई किस तरह से बना करके दी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, वरना जनरली क्या होता है ये GIT में धीरे एब्जॉर्ब होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाईली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन है और लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होती है। इसका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, इसलिए हमारे को फिनाइटोइन थेरेपी को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि हम डोज को एडजस्ट कर सके, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं तो नुकसान पहुँचाती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हाईली बाउंड है। फिसोफाइनेटोइन जो है वो IV और IM रूट से अपन दे सकते हैं। इसके काइनेटिक्स चेंज हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर से लेकर के जीरो ऑर्डर तक थेरापेटिक रेंज के अकॉर्डिंग, तो हमारे को इसको चेक करते रहना है। इसकी हाफ लाइफ 12-24 घंटे होती है, ये प्रोग्रेसिवली बढ़ती है 60 घंटे तक भी अगर इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपन बढ़ाते रहें 10 μg/mL से ज़्यादा अगर अपन दे रहे हैं तो, क्योंकि एज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स गेट सैचुरेटेड, क्योंकि इतनी हाई डोज के ऊपर इसका जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो सैचुरेट हो जाएगा। मेटाबोलाइजिंग एंजाइम क्या करता है, ड्रग को तोड़ने का काम करता है, टूटेगी नहीं तो ये लंबे समय तक असर दिखाएगी। एक बार पहले यूजेस इसके बता दूँ, फिर एडवर्स इफेक्ट बताती हूँ। इसके यूजेस क्या है, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए ऑब्वियस है। कौन कौन सी एपिलेप्सी भाई, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, पार्शल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिक्स में ये अपन देते हैं, ट्राइजेमाइनल और अदर न्यूरालजियाज किसी को है तब भी अपन ये दवाई देते हैं। तो एपिलेप्सी, ट्राइजेमाइनल एंड अदर न्यूरालजियाज को ट्रीट करने के लिए ये इसका यूज़ अपन करते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है वो डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में मोस्टली एच का रोल होता है, आप ये देखिए मोस्टली एच का रोल होएगा, जैसे गम हाइपरट्रॉफी,
हिर्सियोटिज्म, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कर देगा, ऑस्टियोमलेशिया कर देगा, गम हाइपरट्रॉफी मतलब मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, हिर्सियोटिज्म बाल उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप लोगों ने पढ़ रखा है, खून की कमी विटामिन B12 की वजह से देखने को मिल रही होती है, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, तो आप देखिए मोस्ट में HH आ रहा है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जिसमें हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस होती है, हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस के अंदर अंगुलियों की प्रॉब्लम हो रही होती है, होंठ कटे हुए, तालू कटे हुए, ये आपने नाम सुन रखा है, वो क्लेफ्ट पैलेट है, हेयर लिप हो रहा होता है, माइक्रोसिफलिस, सर छोटा हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, एरिनोक्साइड मेटाबोलाइट की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती है थेरेपेटिक लेवल पे। इसके अलावा अगर प्लाज्मा लेवल हाई हो जाए, जो डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी है, तो CNS के अंदर ये सेरेब्रल और वेस्टिबुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, जैसे अटैक्सिया होगा। अटैक्सिया क्या है, इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट है अटैक्सिया एक तरह का, वर्टिगो चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, डाइप्लोपिया, निस्टैग्मस, इनवॉलंटरी आइज का मूवमेंट, निस्टैग्मस क्या है, इनवॉलंटरी आइज मूवमेंट, भेंगापन जैसा सा कुछ होने लग जाता है कि ये आँखों का पार्ट जो है, ये आपका ब्लैक पार्ट, ये अपने आप घूमने लग जाता है। इसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन, सॉरी ये मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा ड्रॉजीनेस होएगा, बिहेवियर बदल जाएगा, दिमाग में कन्फ्यूज़न रहना स्टार्ट, और हेल्यूसिनेशन, हमें पता नहीं चलेगा हम भुलावे की ज़िंदगी में चल रहे होंगे, दैट इज़ हेल्यूसिनेशन। GIT में ये एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है। ड्रग को अगर आप खाने के साथ लोगे तो ये GIT वाली प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। CVS के ऊपर ये हाइपोटेंशन कॉज कर देता है, यानी BP कम कर देगा और एरिदमिया कॉज कर देगा। इसके एक बार मैं वापस से एडवर्स इफेक्ट जो मैं कह रही हूँ H से रिलेटेड है वो वापस से बोल के बता देती हूँ। H से हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया ऑफ गम्स, जिसको अपन अगर मुंह की प्रॉपर साफ सफाई रखें तो इस गम्स की हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया को अपन कम कर सकते हैं, मसूड़ों की सूजन को प्रॉपर ओरल हाइजीन से कम कर सकते हैं। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, हिपेटोटॉक्सिसिटी लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी ये कॉज करता है, हिर्सियोटिज्म बाल उड़ जाना, इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें इंसुलिन कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट की डेफिशिएंसी की से देखने को मिलेगा, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, इन सब में HR है देखिए आप। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया बोन्स कमज़ोर हो रही हैं, फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम में तो मैंने बताया भाई, होंठ कटे हुए हैं, तालू कटे हुए हैं, अंगुलियों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर फिनाइटोइन ड्रग लेती है कोई महिला तब ये फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ये नोट कर लीजिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और अगर हाई कंसंट्रेशन फिनाइटोइन ले रही हो तो CNS, GIT और CVS पर इफेक्ट दिखाती है, CNS पे वर्टिगो, अटैक्सिया, हेडेक, निस्टैग्मस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कॉज करती है क्रॉनिक थेरेपी पर, GIT में नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, जिसको अगर अपन फूड के साथ लें तो इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। CVS में हाइपोटेंशन और कार्डिक एरिदमिया कॉज करता है अगर अपन इसको IV एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ड्रग का। यहाँ यूज़ जो मैंने पहले हालांकि बोल दिया था, यहाँ लिखा हुआ है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में, सिंपल सीजर में, कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर में अपन इसको दे सकते हैं। इट इज़ इनइफेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ सीजर, अगर सीजर नहीं आ रहे तो दवाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असर दिखाएगी नहीं, अगर दौरे पड़े हों तो ही ये दवाई दीजिए। 100 mg BD दे सकते हो, मैक्सिमम 400 mg पर डे आप ये दवाई दे सकते हो, बच्चों के अंदर 5-8 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग आपको देना है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में स्लो IV इंजेक्शन के थ्रू ये ड्रग आप देंगे, जबकि ट्राइजिमाइनर न्यूरलजिया किसी को हुआ है तो ये सेकंड चॉइस है ड्रग की, क्योंकि फर्स्ट में अपन कार्बामेज़ेपिन देते हैं, ट्राइजिमाइनर न्यूरलजिया में कार्बामेज़ेपिन देनी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये फिनाइटोइन नाम के ड्रग दे सकते हैं। दूसरी कार्बामेज़ेपाइन ही पढ़ लेते हैं अपन, जो फर्स्ट नंबर की आ रही है उसमें। कार्बामेज़ेपाइन के बारे में एक बार पहले ये सुन लीजिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई, फिनाइटोइन के जैसे ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को ये भी कम कर देता है, ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है,
एंड इरेटिकली फ्रॉम द GIT। ये प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड होता है और बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, CSF में भी जाता है, लीवर में ये मेटाबोलाइज होता है। एडवर्स इफेक्ट, कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो कार्बामेज़ेपाइन के हैं वो है सिडेशन, ड्रॉजीनेस, वर्टिगो, एटेक्सिया, डाइप्लोपिया, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे स्किन रैशेज, इओसिनोफिलिया, लिम्फेडेनोपैथी, रेयरली ये बोन मैरो डिप्रेशन भी कॉज करता है। तो डोज रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी में सिडेशन कर देगा, डिजीनेस आ जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, डाइप्लोपिया और अटैक्सिया हो जाएगा। इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया जो लिखा हुआ है आपके सामने, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन अगर हुआ है तो पर्सन कोमा में जा सकता है, उसको ज़्यादा दौरे पड़ने लग सकते हैं और हो सकता है उसका कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाए, यानी वो शॉक में चला जाए। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स शॉक को कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में रैशेज भी कॉज करता है, लाइट से भी सेंसिटिविटी कर देता है, हेपेटाइटिस जिससे हो जाएगा, लीवर में सूजन और ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी इसमें हो जाता है। वाटर रिटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिलता है बूढ़े लोगों के अंदर, क्योंकि ये ADH के एक्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये टेराटोजेनिक इफेक्ट रखता है, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। इसका यूज़, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है ये CPS के अंदर, ये तो अपन ने पढ़ा भी था अभी, है ना। तो CPS के अंदर ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। इसके अलावा GTC और SPS के अंदर भी, जनरलाइज टॉनिक, क्लॉनिक, सीजर, ये सारे नाम आ चुके हैं, मैं बार बार इसको बताना नहीं चाह रही हूँ, आपको मालूम है हर एक का फुल फॉर्म बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो GTC और SPS में दे सकते हैं। ट्राइजिमेनर रिलेटेड न्यूरलजिया के लिए भी अच्छी चॉइस मानी जाती है ड्रग की। कई मैनिक डिप्रेसिव इलनेस किसी को हुआ है, एक्यूट मेनिया, ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है, तो लिथियम के ऑल्टरनेटिव ड्रग ये अच्छी मानी जा रही होती है। दूसरी ड्रग आ रही है इथोसुक्सिमाइड ड्रग। इस ड्रग की क्या खासियत है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर्स, इट इज़ गिवन ओरली, द साइड इफेक्ट्स आर GI डिस्टर्बेंस लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, हेडेक, बोन मैरो डिप्रेशन एंड रेयरली स्किन रैशेस। ये टी टाइप कैल्शियम करंट को थैलेमिक न्यूरॉन्स में इनहिबिट कर देती है। यूजेस एब्सेंस सीजर मैं बता चुकी हूँ, पर आजकल इसका यूज़ कम हो गया है क्योंकि वेलप्रोइक एसिड आ गया, तो वो ज़्यादा अपन काम में लेने लगे, वो ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। एडवर्स इफेक्ट मैंने कहा, GI में इंटॉलरेंस हो जाती है, थकावट रहने लगती है, मूड बदल जाता है, सर घूमने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है, ड्रॉजीनेस हो जाती है और कंसंट्रेशन नहीं कर पाता वो पर्सन। दूसरी ऑब्वियस है वेलप्रोइक एसिड, जो आजकल उससे ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है इथोसक्सिमाइड के कंपैरिजन में, जिसको अपन वेलप्रोएट भी कहते हैं, सोडियम वेलप्रोएट। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, पहली लाइन ये आप लिखिए, इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के इसलिए इसका मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो पहले सुनिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सबसे पहला, लाइक फिनाइटोइन एंड कार्बामेज़ेपाइन, इट ब्लॉक सोडियम चैनल। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ GABA, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड इन द ब्रेन, GABA इन द ब्रेन। इट इज़ रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT, मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो फिनाइटोइन की तरह ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोलोंगेशन करता है सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन का। दूसरा, एटीन्यूएशन कर रहा है ये कैल्शियम मीडिएटेड टी करंट का। नेक्स्ट, ऑगमेंटेशन है, ऑगमेंटेशन ऑफ रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर GABA बाय इनहिबिटिंग इट्स डिग्रेडेशन, इसके डिग्रेडेशन को ये रोक रहा है और सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है। तो GABA के साथ इसका रोल है, मैंने बताया ना, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ GABA। GABA की एक्टिविटी को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके डिग्रेडेशन को रोक देता है और सिंथेसिस को बढ़ा देता है, इसलिए GABA की एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ जाती है। और कार्बामेज़ेपाइन और फिनाइटोइन की तरह ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम कर रहा होता है। यूजेस, हाईली इफेक्टिव है ये एब्सेंस सीजर के अंदर, ऑल्टरनेटिव या एडजुवेंट ड्रग के रूप में आप काम में ले सकते हो, GTCS के अंदर भी, SBS के अंदर भी और CPS के अंदर भी। मायोक्लोनिक और एटोनिक सीजर के अंदर हालांकि कंट्रोल इज ऑफन इनकम्प्लीट, बट इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। ज़्यादा अच्छा ये असर नहीं दिखा रही, पर फिर भी ये दवाई अपन काफ़ी सीजर्स में काम में ले रहे हैं। मेनिया या बाइपोलर इलनेस किसी को हुई हो तो लीथियम का ऑल्टरनेटिव ये माना जाता है। एडवर्स इफेक्ट में
भूख नहीं लगती है। देखो इसका एडवर्स इफेक्ट जीआईटी पर भी होता है, सीएनएस पर भी होता है, और भी बहुत सारे टेराटोजेनिसिटी भी ये कॉज करती है, तो बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, हार्ट बर्न होने लग जाता है, ड्रॉजीनेस, अटैक्सिया और ट्रिमर्स भी देखने को मिल रहे होते हैं, एलोपेशिया, बाल उड़ने लग जाएंगे। एक्चुअली हिर्स्यूटिज्म में तो फीमेल्स के अंदर जो है वो मेल की तरह बाल दिखाई देने लग रहे होते हैं, जबकि एलोपेशिया मेल बाल्डनेस है एलोपेशिया। कर्लिंग ऑफ हेयर भी देखने को मिलता है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, नाक से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है अगर ये दवाई ज़्यादा ले लें। फल्मिनेंट हिपेटाइटिस हो जाता है, लीवर का इन्फ्लामेशन, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन। और यंग गर्ल्स के अंदर अगर ये आप दवाई दे रहे हो तो पीसीओडी जैसा डिसऑर्डर ये कॉज कर देता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, ओवरी के अंदर सिस्ट बनने लग जाते हैं खूब सारे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी कॉज करता है यंग गर्ल्स के अंदर, यानी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगी पीसीओडी की वजह से, जो आजकल काफ़ी कॉमन है ये डिसऑर्डर। और टेराटोजेनिक यानी प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि फीटल पर एडवर्स इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो हमने बता दिया GTCS में काम आती है ये ड्रग, एब्सेंस, पार्शल और मायोक्लोनिक सीजर के अंदर, और दूसरी अदर यूज ऑफ वेलप्रोएट इंक्लूड मेनी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ रहे हैं लैमोट्रिजन नाम के ड्रग अपन पढ़ रहे हैं। देखो लैमोट्रिजन के अंदर क्या है, हालांकि नई ड्रग्स हैं ये, ज़्यादा कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सोडियम को भी ब्लॉक कर रही है, सोडियम चैनल को, और हाई वोल्टेज कैल्शियम डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीलेप्टिक है, इसके रिफ्रैक्टरी केसेस पार्शल सीजर GTCS में काम में लेते हैं, एब्सेंस मायोक्लिनिक और ए काइनेटिक एपिलेप्सी में भी काम आती है, लिनॉक्स गैस्टाउट सिंड्रोम में भी काम आती है। एडवर्स इफेक्ट में नींद आने लग जाती है, डिजीनेस रहने लगता है, डाइप्लोपिया, अटैक्सिया और वॉमिटिंग कॉज करेगा। बेटर टॉलरेटेड है ये कार्बामेज़ापाइन और फिनाइटोइन के कंपैरिजन में, रैशेज अगर इसकी वजह से होते तो बहुत सीवियर होते हैं भाई। नेक्स्ट गाबापेंटिन नेक्स्ट ड्रग है, इनको अपन बस फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि मेन ड्रग्स अपनी लगभग हो चुकी है। गाबापेंटिन ब्रेन में गाबा रिलीज को बढ़ा देती हैं, ये गाबा रिसेप्टर का एगोनिस्ट के रूप में नहीं एक्ट करती है, ये सीज़र की फ्रीक्वेंसी को कम करती है रिफ्रैक्टिव पार्शल सीज़र के अंदर बिना जनरलाइजेशन, या शायद जनरलाइजेशन के साथ भी SPS और CPS दोनों में इफेक्टिव है। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस और माइग्रेन में भी दी जाती है ये दवाई। फर्स्ट लाइन ड्रग है ये पेन डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए और पोस्ट थेरापेटिक न्यूरालजिया के लिए। एडवर्स इफेक्ट में थोड़ा बहुत सिडेशन कॉज करती है, थोड़ा टायर्डनेस, डिजीनेस, और व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता। नेक्स्ट है विगाबेट्रिन, ये गाबा ट्रांसमेनेज के लिए इनहिबिटर होती है और गाबा को डिग्रेड कर देती है। रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी में काम की है, स्पेसिफिक पार्शल सीजर में विद और विदाउट जनरलाइजेशन के लिए। एडवर्स में बिहेव बदल देगा ये व्यक्ति का, डिप्रेशन रहने लग जाता है उसको, साइकोसिस हो जाता है, पागलपने जैसा व्यक्ति बिहेव कर रहा है, ड्रॉजीनेस रहने लगेगी, एमनेशिया हो जाएगा, विजुअल फील्ड जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जिससे वो ढंग से देख नहीं पाता, मोटर डिस्टर्बेंस, मोटर नर्व्स उसके डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी, सर घूमने लग जाएगा, बच्चों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टियागैबाइन, रिसेंटली डेवलप है ये एंटी कन्वल्जेंट है जो कि गाबा मीडिएटेड न्यूरल इनहिबिशन ये करेगी, क्योंकि ये गाबा ट्रांसपोर्टर को डिप्रेस कर देती है। इसका यूज़ पार्शल सीजर के अंदर होता है, जनरलाइजेशन के साथ भी और बिना भी। एडवर्स में थोड़ा बहुत सेडेशन हो रहा है, नर्वसनेस रहने लगती है बच्चे को या पर्सन को, एस्थीनिया, एमनेशिया और पेट में दर्द होने लग जाता है। इसके बाद ये एपिलेप्सी के साथ बताया गया है, प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी, कौन कौन से ड्रग कैसे कैसे दे रहे हैं ये आप खुद से देख लीजिएगा। ये चार्ट जो है ऐसा कुछ खास है नहीं जो हम पढ़ें, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसी के बारे में बताया हुआ है। बाकी एपिलेप्सी के जो सिंड्रोम है उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे कैसे अपन दे रहे हैं, मेजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से करेक्टराइजेशन दे रखे हैं कि कितने कितने ग्राम के अंदर कैसे कैसे देनी है, देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ये पढ़ लीजिएगा।
बस इसकी रेंज वगैरह, थेरापेटिक रेंज, कितनी डोज कितने डे में देनी है, प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट किस किस के क्या क्या हैं, दूसरे और क्या इफ़ेक्ट देती है, और इसके साथ और क्या क्या इश्यूज़ जुड़े हुए हैं, वो इसके अंदर दिए हुए हैं। बस इसके साथ में ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं। इसके अंदर देखिए, तो अभी जो न्यू ड्रग्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, चार्ट आपके पास दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको आपको तुरंत ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें GTCS के रिकरेंट अटैक्स आते हैं, और अगर आपने कॉन्शियसनेस की रिकवरी नहीं करी, उस पर्सन को अगर आप होश में नहीं लेकर के आए सिंगल एपिसोड के बीच में, और वो आधे घंटे से भी ज़्यादा चला गया, तो वो काफ़ी नुकसान कर देता है। इसमें आधे घंटे से अगर लंबा चला गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपको पेशेंट को पहले हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसमें एयरवे को मेंटेन करिए, प्रॉपर आईवी लाइन उसमें लगाइए, ब्लड को कलेक्ट करिए, ब्लड कलेक्ट करना ताकि आप उसमें ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस एस्टिमेट कर सकें, इन सब चीज़ों को, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसमें मेंटेन करना है, पर्सन में ड्रग थेरेपी देनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर कौन कौन से ड्रग्स आप देंगे, जैसे लॉर्जेपाम, डाइजापाम वगैरह देंगे, फॉस्फेनाइटोइन देनी है, फिनोबार्बिटोन देनी है, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह देनी है, ये सारी दवाइयाँ आपको देनी है। अब बस इसके साथ इतना काफ़ी है। अगर इस टॉपिक में आपसे और भी कुछ पूछा गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में समझा देती हूँ कि मैं अपन दवाइयाँ देते कैसे। जैसे स्टेप वन में अगर आपके पास पेशेंट आया है तो आप उसको 0.1 mg/kg के हिसाब से आईवी स्लोली देनी है लोरासिपाम, या फिर डाइजापाम में 10 mg आईवी स्लोली दे सकते हो, और हर 10 मिनट में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको रिपीट करिए। जब आप ये दवाइयाँ दे रहे हो तो आपको पर्सन में हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को वॉच करना है। इसके बाद फॉस्फेनाइटोइन भी आप दे सकते हो, तो 20 mg/kg के हिसाब से आईवी देना है, या फिनाइटोइन 20 mg/kg के हिसाब से आईवी इन्फ्यूज़न करना है। 50 mg/min नॉर्मल सलाइन के अंदर आप इसका आईवी इन्फ्यूज़न करेंगे, तो उस केस में आपको कार्डियक रिदम और बीपी को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। अगर अभी भी सीजर पर्सन में कंटिन्यू हैं तो स्टेप टू में आप फिनोबार्बिटोन दे सकते हो, 10 से 15 mg/kg आईवी इन्फ्यूज़न 100 mg/min के हिसाब से। इसमें आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करना है पर्सन के अंदर, और अगर अभी भी पर्सन को दौरे पड़ रहे हैं तो जनरलाइज एनेस्थीसिया दीजिए आईवी मिडाजोलाम के साथ में या प्रोपोफॉल के साथ में। इसमें आपको पर्सन का एयरवे मेंटेन करना है, बीपी को मेंटेन करना है, ये तीन स्टेप्स के अंदर अपन स्टेटस एपिलेप्टिक्स का के अंदर दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से अपन ये दवाइयाँ दे रहे होते हैं। बस इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म।